मैंने कहा था कि मैं व्लॉग घर के अंदर बैठे बैठे बनाऊंगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने बोर होके नस जाना है यहाँ से। तो यार आज फाइनली बड़े दिनों के बाद आज वो दिन आया जहाँ पे ना यूनिवर्सिटी है ना कोई टेंशन है। अभी मैं आराम से नींद पूरी करके उठ रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होके। आज बड़े अरसे के बाद मैं मतलब कि फीलिंग आई है कि यार मैं भी इंसान हूँ और मैं डिज़र्व करता हूँ। तो यार आज अभी बज रहे हैं 11:30, और 11:30 नहीं, अभी बज रहे हैं 11। अभी उठते साथ ही मुझे एक काम पड़ गया है। अभी मैंने यहाँ से जाना है, मैंने अपने दोस्त के अकाउंट में $50 ट्रांसफ़र कराने हैं। तो मैं उधर जाता हूँ, ट्रांसफ़र करा के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जो काम था वो नहीं हो सका क्योंकि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक थर्ड पार्टी भी आती है, और थर्ड पार्टी का काम है 3 बजे के बाद स्टार्ट होता। क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी को देने थे पैसे, उसने मुझे $50 का कोड देना था, $50 का कोड मैंने उसके अकाउंट में डालना था, और जब नहीं हो सका तो अब ये काम 3 बजे के बाद होगा। तो अभी यहीं पर घर में ही बैठा हूँ, एक दो काम है वो थोड़ी देर में करूँगा, तब तक के लिए करूँ ये करूँ ये लो था। हमारी लाइफ इंटरनेट के साथ कितनी बाउंड हो चुकी है, अगर इंटरनेट एक दिन ना आए या एक घंटा भी ना आए ना, हमें ऐसे लगता है कि इतना ज़्यादा दुख लगता है कि ऐसा लगता है हम बेवा हो गए हैं। क्योंकि अब मेरा इंटरनेट पिछले 5 दिनों से नहीं आ रहा। जब मेरा इंटरनेट गया था मैंने कहा कि अभी आ जाएगा, और उस समय मुझे इंटरनेट ज़रूरत था। मैं 100 MB का पैकेज करवाया, 100 MB आपको पता है कितने से होते हैं, और वह 100 MB 10 मिनट में ख़त्म हो गए। मैंने कहा कि वापस करवाता हूँ 100 MB का पैकेज, 100 MB का वापस करवाया, वो भी ख़त्म हो गया। इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना बड़ा पैकेज करवा लेता हूँ, इंटरनेट जब भी आया यूज़ करता रहूँगा, बाहर कभी चला गया तो। मैं गया, मैं 5 GB का पैकेज करवा लिया। 5 GB का पैकेज मेरा चला 1.5 दिन, इतना इंटरनेट यूजेज मेरी है। और मैं वापस गया, मैंने 5 GB का पैकेज करवा लिया, वो ये टोटल 10 GB का जो पैकेज था ये ख़त्म हो गया था 3 दिनों में। और फिर मैं परसों गया, मैं 20 GB का पैकेज करवा के आ गया। ज़िंदगी इंटरनेट के बगैर है ही नहीं है हमारी। मेरी लाइफ तो ये ऐसी ही है, पता नहीं आप लोगों की कैसी होगी, क्योंकि मुझे इंटरनेट काफ़ी ज़रूरत होता है। एक तो मैंने ब्लॉग्स भी अपलोड करने हैं, और आपको मैंने सीन बताया था कि अगर 2 ब्लॉग से ऊपर मेरे पास अगर पेंडिंग में पड़े हो तो मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे नहीं, इस तरह मेरी प्रैक्टिस डाउन हो जाएगी और कॉन्फिडेंस मेरा लैग करेगा। तो बस यही था। एज माई मॉम सेड, इन छतों को कटवा लो। तो अभी मैं जाऊँगा यार, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी ना कटवाऊँ, क्योंकि चांद रात पे कटवा, चांद रात को नहीं आखिरी अशरे में कटवाता हूँ, तो फिर जो मैं बालों की क्या कहते हैं इसको लुक है ना, वो जो मैं चाहता हूँगा वो ईद तक आ जाएगी। अभी मैं कटवाऊँगा तो वापस बड़े हो जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ से ना मैं हल्के फुल्के से सेट करवा के आता हूँ, असली कटिंग होगी भाई आखिरी अशरे में। डन हो गया, बस ठीक हो गया, अभी मैं जाऊंगा। हाँ, ठीक है भाई। ओहो, नई शर्ट UOL टाइटन्स। तो अभी मैं बाल कटवा के आ गया, और मेरे सेलफोन की बैटरी ख़त्म है। तो इससे पहले कि मैं बैटरी भी फुल चार्ज करने लगा हूँ तब बात करूँगा, और दूसरी ये शर्ट उतारने लगा हूँ, तो एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो चेक करें बस आप। Moki 69 वो हाँ भाई, व्लॉगर की जो ज़िंदगी है ना वो बैटरीज पे चलती है। और यार मेरी अगर व्लॉगर की मोबाइल की या कैमरे की अगर बैटरी ख़त्म हो जाए तो वो यार टेंशन में पड़ जाएगा, मेरी बैटरी मेरी बैटरी मेरी बैटरी, ये तो उसका दिन जो है ना बैटरी के बगैर चलता नहीं है। वैसे इंसान लग रहा हूँ ना, तो अभी मेरे सेलफ़ोन की बैटरी हो गई है फुल चार्ज, जान में जान नहीं है, और आप चेक कर रहे हैं इंसान लग रहा हूँ ना, अरे मज़े। तो अभी मैं सो के मैं ट्रांसफ़र भी कर रहा हूँ पैसे, तो बाकी सारा काम हो गया, अभी करने के लिए कुछ है नहीं है। तो है करने के लिए है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो अभी मुझे छोटा सा एक काम है, छोटा काम करके मैं बताता हूँ कि मुझे क्या काम है। सो सी यू सून।
हाँ यार, तो काम करते करते मैं भूल ही गया था कि मैं एक अदद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और आप अगर मेरी पीछे स्क्रीन पर देखें तो ये मैंने व्लॉग अपलोड किया है, अभी पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट व्लॉग है, करूँगा पब्लिक इसको, सब्र कर जाएँ, थोड़ी सी काम शाम होते हैं, देखना पड़ता है, कुछ गलती वगैरह तो नहीं है तो इस वजह से। और ये जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, ये व्लॉग है 9वां व्लॉग, मतलब कि अभी एक 8वां एडिटेड व्लॉग पड़ा हुआ है मेरे पास। इतनी कंसिस्टेंसी कहाँ से आ गई है जैन भाई? आपने कहा था कि मैं एक हफ्ते में एक व्लॉग, आप तो अब हर 3 दिन के बाद एक व्लॉग अपलोड कर रहे हो। तो यार सीन ऐसा है कि व्लॉग एडिट हो जाता है, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए होता, 2 से 3 घंटे लगते हैं, और हर दिन में ऐसा टाइम आता है कि 2 से 3 घंटे आप फारिग होते हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं, अब यूट्यूब पे आए हो, व्लॉगिंग की फील्ड में आए हो, तो यार थोड़ा सा अपनी तरफ से दो ना यूट्यूब को, तो यूट्यूब की तरफ से आपको फीडबैक आएगा। तो बस ये मैं अपने 100% दे रहा था, आप देख सकते हैं पिछला व्लॉग 3 दिन पहले, फिर ये व्लॉग, फिर अब ये व्लॉग भी 3 दिन बाद आएगा, और अभी मैं एक कल व्लॉग बना रहा हूँ, मतलब कि लाइफ फुल ट्रैक पे चल रही है, अभी तक कोई बैरियर्स तो आए नहीं है, फेस हुआ नहीं है, तो मतलब कि बिल्कुल चल रहा है। और यार बस आज का जो मेरा टारगेट था ना, मैंने कहा था कि मैं व्लॉग घर के अंदर बैठे बैठे बनाऊंगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने बोर होके नस जाना है यहाँ से, लेकिन जो अब मेरी खुशी है ना, वही वो मैं काम करूँगा, बस इतना समझ लीजिए। अब मेरी आज खुशी ये थी कि मैं घर में बैठे बैठे बगैर कोई काम किए मैं घर में व्लॉग करूँ, आपसे बातें करूँ। अब मेरे ख्याल से बातें हो गई हैं, ठीक है? तो अब चलने का टाइम हो गया, क्योंकि अभी मैं सो जाऊंगा, नींद पूरी करूंगा तो सुबह मैं निकल सकूंगा। वो कल के व्लॉग में, मतलब कि कल शूट होगा 6 दिनों के बाद, हफ्ते बाद व्लॉग आ जाएगा यार। पहले तो आप जैन भाई कहते हैं, चलो भैया मैं अगले व्लॉग में बात कर लूंगा तो ठीक है यार, अल्लाह ने वाले, ख्याल रखिए अपना, अपने। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा, सी यू, बाय बाय। अभी आपने जिन देखा है? जिन बल 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 बल